में गया हुआ था मनु और रितु को रिसीव करने के लिए, वो लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज ही आ रहे थे और मनु और रितु से भी आप लोगों को जल्दी मिलवाते हैं। क्रियांश भी हमारे साथ तैयार होकर के है। जी अभी तैयार होकर के। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं अमित किट्टो जायसवाल से मिलने के लिए। नमस्ते। और बताइए क्या हाल समाचार। मेरे बेटे को पहली बार देख रहे हो ना। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और 1:30 बजे जो है घर की हालत क्या है अभी आपको दिखाते हैं। उधर ओरी अपना मस्त है और लड्डू बैठा हुआ है ओरी को थोड़ा सा संभालने में, और इन दोनों को संभालने में जो है जिया बैठी हुई है। ओए इधर कर रहे पापा, इधर कर आइए। और आज जो है क्रियांश क्रियांशी बना हुआ है, हाँ क्लिप लगा हुआ है इसको। इसका बाल जो है बार बार इसके आंख पर आ जाता है, जिया कर दो सब। तो इसलिए जो है आज क्लिप लगा दिया गया है ताकि इसका बाल इसके आंख पर खराब हो गई थी। क्रियांशी की तबीयत खराब हो गई थी, अभी थोड़ी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओए वो अपने एक और भाई को संभालते हुए उधर है। ये चार टांगों वाला भाई है। वाह वाह, ये मेरा क्रोएशिया से आया है। वाह वाह, धीरे जी आ चुका है। हां तो आज जो है एसी स्टेट लगा हुआ है, तो ओरी जो है यहीं पर रहना चाह रहा है, यहाँ से हिलना नहीं चाह रहा है। हाँ क्या कर रहा है गतिक तुम? इसका डायपर खोल रहा है। वाह नैन्सी दीदी, बहुत देर से कुछ ढूंढ रही है, देख रही है पूरा घर, तलाश मारी है एक एक कोना, चप्पा चप्पा, एक एक ट्रॉली, एक एक बैग। आखिर किस चीज के लिए इतना परेशान है बता नहीं रही है। क्या बात है नैन्सी दीदी, परेशान मत करो। हाँ हाँ, अभी हम कुछ ढूंढ रहे हैं फिर बताते हैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम ढूंढ लो पहले। तो फाइनली नैन्सी दीदी को मिल गया है जिस चीज को ढूंढ रही थी, परेशान थी इस चीज के लिए। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसके लिए इतना परेशान थी? अभी है गर्मियों का सीजन और स्किन को अभी बहुत सारे केयर की जरूरत होती है। बिल्कुल हाँ। तो ऐसा ही कुछ है। अच्छा तो इसमें क्या खास बात है? इसमें जो खास बात है वो चलो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसे सबसे पहले हमें अपने पाम पे लेना है और इसे फेस पे हमें अप्लाई करना है, सेंसिटिव एरियाज को छोड़कर, जैसे कि आपका आईज का एरिया है, लिप्स एंड माउथ। उसके बाद इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसे ठंडे पानी से धो लेना है। इसके अंदर होता है एक्टिवेटेड चारकोल जो कि आपके इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, आपके एक्ने एंड ब्रेकआउट से फाइट करता है और डर्ट एंड बैक्टीरिया को स्लॉग ऑफ करता है और आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और जिससे कि आपके चेहरे पे आता है एक जबरदस्त ग्लो। अच्छा ऐसा है क्या? तो ऐसा करते हम भी जिया के लिए खरीद लेते हैं, जल्दी सबको लिंक दे देना इसका। तो देर मत करना क्योंकि अभी 14 जून को इस पे ऑफर है पर्पल के ऐप पे, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे बाय टू गेट टू का। वाह बहुत बढ़िया जी, मतलब चार प्रोडक्ट हम कार्ट में ऐड करेंगे और हमको जो है पे करना पड़ेगा सिर्फ 2 प्रोडक्ट के लिए। स्किन का केयर भी बचत भी, तो ऐसा मौका नहीं चूकना है जी। लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप लोग भी खरीदिए, हम भी खरीदते हैं और आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल जी हम आए हुए हैं बाहर, तो देख सकते हैं क्रियांश भी हमारे साथ तैयार होकर के है। जी अभी तैयार होकर के है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो आप लोग जो है वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं अमित किट्टो जायसवाल से मिलने के लिए। तो उनके यहाँ जा रहे हैं, तो कुछ मिठाई लेकर के चलते हैं, और जो बाबू है उसके लिए भी कुछ लेकर के चलना है। वैसे पास में ही है, 2 मिनट के रास्ते पे। बिल्कुल जी, 2 मिनट तो नहीं, 5 मिनट 10 मिनट लग जाता है। हाँ तो चलते हैं जी, कुछ मिठाई खरीद लेते हैं। तो हम लोग फाइनली जो है अमित भाई के सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और लिफ्ट के अंदर चले आए। बाबू के लिए जो है सामान भी खरीद लिया है, उसे जो एक प्यारा सा गिफ्ट देना है हमारी तरफ से, और उसके अलावा मिठाई से भी ले लिया है मुंह मीठा करने के लिए। बाकी क्रियांश अपना फ्रूटी का ये बोतल से खेल रहा है फिलहाल। पीता नहीं बस खेल रहा है। तो इनका गेट खुला ही हुआ है। चलिए बस जी बढ़िया। नमस्ते। और बताइए क्या हाल समाचार। तो हम सुने कि आप आगर को वापस गए। कहाँ? हाँ क्यों? कुछ लेने गए थे। अच्छा। नमस्ते जी, क्या हाल है? तो बहुत खुश है, दर्द भी हो गया। बैठो आप, बैठो तो सही, नहीं बैठ गए। अरे बैठो आ रही है, फीडिंग करा रही ना। पिछली बार जब आए थे उनसे भी अच्छा एकदम और कर लिया, और मैं बोल रही थी तो अभी फिनिश करना बाकी है। अभी यार तो बाकी है और कुछ भी नहीं, वही तो है। करियर कभी कम होता है क्या? अरे कुछ नहीं, कितना भी शौकी नहीं हुआ। अभी तो कल एक दो दिन में यहाँ एसी लगवाना है। क्रियांश, अरे क्रियांश, अरे क्रियांश के लिए भी जूस लेके आओ, मैंगो वाला। हाँ पिएगा, मैंगो जूस है ला रहे। वो ठंडा हो जाएगा इसके लिए? नहीं नहीं, वो लारी नॉर्मल होगा, नॉर्मल है ठंडा। पानी भी चलेगा इसके लिए? अच्छा पानी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ला रही, ला रही कुछ देर बाद। अरे हो जाएगा कुछ देर बाद, ले आओ। तो कुछ है नहीं।
मेरे बेटे को पहली बार देख रहे हो ना, जब ये पेट में था तब आए थे। लेकिन आज ये तब की गोदी में जाता रहा था। ले लो पैसे, वो रखे पेमेंट। आओ किट्टू, किट्टू कौन आया बेटू, कौन मिलने आया है आपसे? ऋषभ ही है, छोटा ऋषभ है वो। तो मैं अभी मुझे लिफ्ट में मैं गया हुआ था मोनू और रितु को रिसीव करने के लिए। वो लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज ही आ रहे थे, तो उन लोग को रिसीव कर लिया हमने और उन लोगों को जो है एनसी दीदी के यहाँ ड्रॉप कर दिया है। और अब जा रही है अमित भाई के यहाँ और मोनू और रितु से भी आप लोगों को जल्दी मिलवाते हैं। तो अमित भाई की यहाँ जी पहुँच गए और देख रहे हैं कि अच्छी खासी खातिरदारी हो रही है। अच्छी अरे बहुत ही जबरदस्त खातिरदारी और अच्छी हो रही है, खासी नहीं हो रही है। हाँ जी हाँ जी। और अमित भाई का देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है जहाँ पर हम लोग खाने बैठ रहे हैं, क्या जबरदस्त सब है यहाँ पर। वाह, एक्चुअली इस घर में पूरा ना बैकग्राउंड में लाइटिंग हिसाब से ना वीडियो बहुत अच्छा आता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने सेटअप बहुत अच्छे से कर रखा है सब कुछ। लेकिन हम लोग जिसका होता है उसको नहीं पता चलता, हम लोग यहाँ पे कम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, अब रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है वहाँ का बैकग्राउंड। वो किसी को अपना चीज अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि खाने पीने में लगा हुआ है हमारा मन पसंदीदा पनीर और साथ में रोटी सब्जी। और भगवान की दया से क्रियांश की तबीयत में लग रहा है कुछ सुधार आया है। ओए होए होए, बस 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 बस, क्रियांश ढूंढ रहा है अपना। तो यहाँ पर जी अच्छा खासा समय बिता लिया और क्रियांश भी जो है खेला अच्छा खासा, लेकिन उतना नहीं खेल पाया जितना अपना इसका पोटेंशियल है। बिल्कुल तबीयत थोड़ा सा डाउन है इसका। और यहीं से हम लोग जो है क्या बोल रहा है क्रियांश ब्लॉगिंग करेगा, हम छोड़ देते हैं। हाय क्रियांश, बोलो हाय गाइस। तो काफी अच्छा लगा थी अमित भाई के यहाँ हम दोबारा आए और फिर से वही मान सम्मान और वही खातिरदारी, तो काफी अच्छा लगा। और वंदना जी से पहली बार मुलाकात हुई, तो चलिए जी सभी से मुलाकात हो गई। तो भैया जी कहीं होगा कटिहार की तरफ आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप हमारे यहाँ तो आइए। ठीक है ठीक है, देखो उसका बाल आठ में जा रहा है। मुस्कुराते बेटू, पता बच्चे भी जगह नेक्स्ट डे। कल जी अमित भाई के यहाँ से आ गए थे और मोनू रितु से भी मुलाकात होगी और मोनू रितु को जो है उनका जो अपना रूम है वहाँ पर छोड़ भी दिया था। सोचे थे कि शूट करेंगे लेकिन कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि इतना तेज सर में दर्द हो रहा था जी अमित भाई के यहाँ से आने के बाद। तो उसके बाद जो है मम्मी रात में मालिश की, उसके बाद जो है जिया सुबह में मालिश की, लेकिन कुछ भी राहत नहीं हो रहा था। रात में तो सो गए थे जब मालिश हुआ था, लेकिन जब सुबह उठे तो फिर से बहुत तेज दर्द होने लग गया था। तो कुछ भी काम नहीं दे रहा था मालिश और कुछ भी। तब उसके बाद अंत में गोली लिए, गोली लेने के बाद भी उतना राहत नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है जीजाजी को ड्रॉप किए, हाँ जी जीजाजी चले गए अपनी ड्यूटी पर, तो उनको भी ड्रॉप कर दिया है। फिर उसके बाद जब घर आए तब उसके बाद सोए हम तबियत से, लगभग 5 घंटा 6 घंटा सोए होंगे आराम से।
तब उसके बाद जो है राहत मिला है। तो मतलब शरीर को रेस्ट की जरूरत थी, तरह जो भागा दौड़ी हुआ था हमारा, उसकी वजह से लगता है कि मेरा तबीयत कुछ इस तरह से हो गया था। अभी जो है भगवान की दया से सब ठीक है। बाकी मोनू ऋतु भी जो है शाम में आएंगे तो उनसे भी आप लोगों को जरूर मिलवाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ब्लॉग जो है यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।